Hello all the candidates of MPSC. Myself, Dr. Prem Shankar Pandey, welcome you to the analysis of English Literature Question Paper that is conducted on 8th of June 2024. हमने MPSC का कोर्स कवर किया था, उसमें से 95% क्वेश्चन आए हैं. तो दिस इज रियली अमेजिंग. जिसने भी अच्छे से तैयारी की है, पूरे सिलेबस को कवर किया है, उसका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं. और शुरुआत करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो दिस इज अ क्वेश्चन पेपर ऑफ एमपीएससी. 150 क्वेश्चंस वर आस्क्ड और मोस्टली जो क्वेश्चन थे टॉपिक स्पेसिफिक सिलेबस से थे. 10% क्वेश्चन जो थे जनरल क्वेश्चन थे. जब से सिलेबस रिसीव किया गया था तभी से एक डाउट था कि कितने परसेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक स्पेसिफिक होंगे, कितने परसेंट क्वेश्चन जनरल नेचर के होंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर दोनों ही चीजें दी हुई थी. मेरा प्रेडिक्शन था 80-20, 80% स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक होंगे और 20% जो होंगे वो जनरल क्वेश्चन होंगे. सर हम लोगों ने सर आपने जितना हम लोग को पढ़ाए थे सर उसका उन्होंने 50% भी नहीं पूछा है. चलिए अभी पता करते हैं. मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने देखा कि 90% क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया उसी में से आया. सर आपने उससे ज्यादा पढ़ाया है, उन्होंने क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं बनाया. एक्स्ट्रा हाँ डीपली नहीं पूछा है. हाँ डीपली नहीं पूछा उन्होंने. बहुत ही शैलो लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही बेबी लेवल के क्वेश्चन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट. अब इससे मतलब बेसिक क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है. ये मतलब क्लास वन क्लास टू के बच्चों को पढ़ाया जाए तो ओके. तो मैरी एन इवान इसका आंसर है. बी इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थॉमस बैबिंगटन मैकॉले फेमस एसे ऑन मिल्टन. एसे ऑन मिल्टन किसमें पब्लिश हुआ था. तो इसका आंसर जो है एडिनबर्ग रिव्यू है. सी इज द राइट आंसर. ठीक है आप टिक करते चले, चेक करते चले. तीसरा क्वेश्चन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज अबाउट द वॉर. तो ये बल्गारिया और सर्बिया का था. चॉकलेट क्रीम सोल्जर आपने पढ़ा होगा, बल्गारियन सोल्जर. तो बल्गारिया और सर्बिया. तो तीसरा का आंसर जो है वो डी है. चौथा क्वेश्चन, द कैरेक्टर नेम्ड जैक बार्थविक ये किसमें अपियर होता है. जॉन गॉल्सवर्दी के कौन से प्ले में आता है. तो देखिए अगर आपको सिलेबस पता है ना कि मेरा सिलेबस क्या है तो 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे सही कर देंगे, क्योंकि द सिल्वर बॉक्स के अलावा और कोई भी जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले आपके सिलेबस में है ही नहीं. तो ऑप्शन भी होने के कोई चांसेस नहीं. ठीक है कॉमन सेंस है. तो ये इसका आंसर जो है सिल्वर बॉक्स है. एक ही प्ले आपको पढ़ना था जॉन गॉल्सवर्दी का और उसी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ. तो टॉपिक स्पेसिफिक सिलेबस होने का एक फायदा होता है, प्लस पॉइंट होता है. आगे चलते हैं. पांचवा क्वेश्चन, जॉन गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडी द ट्रेजेडीज आर मार्क्ड एज किस टाइप की ट्रेजेडी है. तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है सोशल ट्रेजेडी. जॉन गॉल्सवर्दी हमेशा सोशल के सोसाइटी के ऊपर लिखते हैं. तो सोशल ट्रेजेडी इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए के रामानुजन की ऑबिट्यूरी किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी. तो ये रिलेशंस में पब्लिश हुई है. छठा का आंसर जो है वो ए है. क्वेश्चन नंबर 7, whose poem is remembered by APJ Abdul Kalam on the occasion of his father's death. और एक लाइन दी हुई है, quoted लाइन, earth receive an honored guest. तो आपको पता है ये लाइन जो है in the memory of W.B. Yeats, W.H. Auden की एक poem आई थी. W.H. Auden. Yes sir. हाँ W.H. Auden की poem in the memory of W.B. Yeats. Yeah, perfect. So 7 का आंसर यहाँ पे B है. Who translated the major portion of Gandhi autobiography from Gujarati into English? So, iska right answer hai Mahadev Desai. Mahadev Desai. 8 ka C. Chaliye aage badhte hain. Mulkraj Anand novel Untouchable covers the events of kitne din ka event cover kiya gaya hai? Ye question pucha gaya hai. तो आपने पढ़ा होगा इसका राइट आंसर है वन डे. एक दिन का लाइफ कवर कर रहा है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अ
हर प्रेजेंस नेवर सेड एनीथिंग बट हर एब्सेंस स्पोक, हु इज रेफर टू इन द कोटेड सेंटेंस। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो सावित्री एंड सत्यवान स्टोरी से लिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है सावित्री। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। विच रिलीजन इज नॉट मेंशन बाय ईएम फोस्टर इन हिज पैसेज टू इंडिया। अगेन आपको अगर सारे करेक्टर के नाम याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी, जितने भी इंग्लिश वाले करेक्टर हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं। इसमें डॉक्टर अजीज जो हैं इस्लाम कम्युनिटी से हैं, और बहुत सारे इसमें हिंदू करेक्टर भी हैं। जुदाइज्म इसके अंदर नहीं है, तो जुदाइज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आई ए रिचर्ड्स द वेस्टलैंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन। तो ये काफी, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आई ए रिचर्ड्स के बारे में। ये रिसर्च पेपर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, द प्लाइट ऑफ होल जनरेशन इसका राइट आंसर है, द प्लाइट ऑफ होल जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन मिसेस डालोवे ऑफ वर्जीनिया वुल्फ सेप्टिमस सफर्स के आवाज कट कट के। हाँ फ्रॉम। एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए जिसको भी आवाज नहीं आ रही है, बिकॉज मेरे साइड से नेटवर्क तो प्रॉपर है। ठीक है, बाकी सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए। सो मिसेस डालोवे में जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ था उसको मेंटल प्रॉब्लम थी, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। फर्न हिल, टैलन थॉमस की बहुत ही फेमस पोएम है फर्न हिल। इज अ पोएम ऑफ, ये कह रहा है कि ये पोएम किस तरह की पोएम है, तो ये चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने लिखा है, लॉस्ट चाइल्डहुड। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ये टोरवाल्ड और नोरा हेल्मर की जो स्टोरी है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है, टोरवाल्ड का प्रमोशन होता है और वो बैंक में मैनेजर बन जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, 15 का सी। ओके, जिसका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कैंटरबरी टेल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। पार्लियामेंट एंड अरसाइड की स्टोरी कौन सुनाता है? द कैंटरबरी टेल्स नरेट्स द स्टोरी ऑफ पार्लियामेंट एंड अरसाइड। तो नाइट का टेल है ये, पार्लियामेंट एंड अरसाइड, और यही शेक्सपियर ने भी अडॉप्ट किया था अपने द टू नोबल किंग्समैन के अंदर, पार्लियामेंट एंड अरसाइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इडिल्स ऑफ द किंग बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। तो ये किंग आर्थर की स्टोरी है, थॉमस मैलोरी की जो वर्क है, थॉमस मैलोरी मॉडल डे आ गया, तो दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कैंटरबरी टेल का, कि कैंटरबरी टेल में पिलग्रिम्स कहाँ पे गैदर होते हैं, तो ये 1994-95 में इसी तरह के नेट में क्वेश्चन आते थे। तो अभी एमपी वाले जो हैं अभी करीब 20-25 साल पीछे चल रहे हैं, तो ये टाबाड इनमें इकट्ठा होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये फेरी क्वीन का जो करेक्टर है दूसरा, ये किसे रिप्रेजेंट करती है? तो ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्लोरियाना जो है क्वीन सर एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी, सर आप होते करे इस एग्जाम के सेटर, तो आप पूछ लेते कितने करेक्टर्स को दाढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ जी, सर उस क्वेश्चन का 19 का क्वेश्चन थोड़ा सा सर, इसमें क्वीन एलिजाबेथ होना चाहिए ना सर। ग्लोरियाना क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है, फेरी क्वीन जो है वो ग्लोरियाना है, वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा एक बहुत ही विच करेक्टर है इसके अंदर, ये क्वीन ऑफ स्कॉट को रिप्रेजेंट करती ओके सर, थैंक यू। जूसा,
चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलिटरेटिव पोएम रिकाउंटिंग सीरीज। पार्डन सर, द क्वेश्चन व्हिच यू हैव जस्ट डिस्कस्ड, व्हाट आर अदर टू सर अबाउट फेरी क्वीन, व्हाट आर अदर टू ऑप्शंस? ये चारों ऑप्शन रहे आपके, क्वीन एलिजाबेथ, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, क्वीन कैथरीन। ओके ठीक है। ये जो ब्रिटो मार्ट है, लेडी ब्रिटो मार्ट, ये भी फेरी क्वीन से है, लेकिन इनकी एक अलग बुक है, फर्स्ट बुक में नहीं है ये। सी रिप्रेजेंट्स द चैस्टिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्थ द प्लोमैन है, सीरीज ऑफ ड्रीम्स, राफेल डिक्लोडे। ओके, तो बी का आंसर है, वो बी है। आगे बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन दैट देयर वाज अ फाइटिंग। यहाँ पे जो फाइटिंग चल रही है ये कहाँ पे चल रही है? तो ये माउंटेन पे फाइटिंग चल रही है। फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर जो फाइटिंग चल रही है वो माउंटेन पे चल रही है। किसके किसके बीच में चल रही है? एनी आइडिया? फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन बार्कले। फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के बीच में माउंटेन पे फाइटिंग चल रही है। तो इसका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू नॉवेल्स ऑफ एलिस वॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? तो आप देखेंगे कि हाँ जी सर जी, फाइट तो जर्मनी और इटली के बीच चल रही थी। वो तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि किस कौन कौन से जो योद्धा थे वो लड़ रहे थे। ओके सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिस वॉकर की कौन सी जो नोवेल है यहाँ पे मिसमैच है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि बाकी सारे नोवेल आपको पढ़ने ही नहीं थे, केवल एक ही नोवेल आपको पढ़ना था सिलेबस में, कलर पर्पल। तो अगर आपको पता है कि कलर पर्पल ही मेरे सिलेबस में है तो वही आंसर होगा। 1982000 ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है कि जो भी आपको सिलेबस दिया जाए, सिलेबस आप रट के जाओ, 20 क्वेश्चन तो ऐसे आप बिना मेहनत के सही करके आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अमिताभ घोष द शैडो लाइंस फोकस ऑन द नरेटर्स फैमिली। तो इसकी फैमिली जो है कहाँ पे है? इट इज कलकत्ता एंड ढाका। टी इसका राइट आंसर है, कलकत्ता एंड ढाका। भारती मुखर्जी जैस्मिन, जैस्मिन इज सडनली विडोड एट द एज ऑफ, कितने साल में वो विडो हो जाती है? दैट इज 17 इयर्स ओल्ड, व्हेन सी 17 इयर्स ओल्ड। आगे बढ़ते हैं। 25, दिस लाइंस द वन डे द पिक्युलैरिटी ऑफ हिज नेम बिकम्स अपरेंट, ही इज 11 इयर्स ओल्ड इन द सिक्स्थ ग्रेड ऑन अ स्कूल फील्ड ट्रिप, सम हिस्टोरिकल इंटेंट आर टेकन फ्रॉम। ये कुछ, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का थोड़ा क्वेश्चन लगा मुझे। ये नेमसेक का एक्सट्रैक्ट है, ये नेमसेक से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द मेटाफर ऑफ क्लॉथ वॉज द होप ड्रंक वेयरिंग यू ड्रेस्ड योर सेल्फ इज फाउंड इन द वर्क ऑफ, ये लेडी मैकबेथ का सोलिलॉक्वी है। आपको पता है जब एक्ट वन के अंदर मैकबेथ कहता है कि भाई मैं नहीं मार सकता हूँ किंग डंकन को, तो उस टाइम पे लेडी मैकबेथ जो है एक सोलिलॉक्वी कहती है एक्ट वन सीन 7 के अंदर, तो वहीं से इसको लिया गया है। इसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 27, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस वॉज रिटन बाय विच एसेज। तो ऑन रिवेंज आपको पता है कि फ्रांसिस बैकन का एक एसे है ऑन रिवेंज, तो फ्रांसिस बैकन ही आंसर है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एज पर बाकन इन हिज एसेज ऑफ स्टडीज, स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट थ्रू, डिलाइट कैसे मिलता है? तो प्राइवेट में बैठ के पढ़ने से डिलाइटनेस मिलती है, 10 लोग साथ में बैठेंगे तो उसमें आपको
डिलाइट खुशी नहीं मिलेगी, खुशी के लिए आपको अकेले बैठ के पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फादर ऑफ किंग आर्थर इन ली मार्टिडे आर्थर। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया है। इसका सही आंसर है पेन ड्रैगन, कूलर पेन ड्रैगन, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द जुविश मनी लेंडर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, शाइलॉक। एस जो है वो किस तरह का साउंड है? एस एक वॉइसलेस साउंड है, जब आप अपने गर्दन पर यहाँ पे हाथ रखेंगे तो एस बोलेंगे तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। जब भी आपका गले में थ्रोट में वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वॉइसलेस साउंड है। और वाइब्रेट कर रहा है आपका ग्लॉटिस, अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वॉइस्ड साउंड है। तो राइट आंसर इसका है वॉइसलेस। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उसमें ई आर बना के नया वर्ड बनाया गया है। अब यहाँ पे ई आर क्या है? मॉर्फीम है। ओके, ये कौन से मॉर्फीम है? बाउंड मॉर्फीम है। ई आर बनाने से क्या बन जाता है? ये एबल हो जाते हैं, राइट, एक राइटर बन जाता है, लिखने लायक हो जाता है, विन विनर हो जाता है, ओपन ओपनर हो जाता है। तो इस तरह के सफिक्स को एबल सफिक्स करते हैं, जो किसी की एबिलिटी को बताते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव ग्रामर। द राइट आंसर इज बी, लैंग्वेज एनालिसिस। ओके, बंटू सिलेबल क्या है? ये अफ्रीकन डायलेक्ट है बंटू, जिसमें कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल, सबसे पहले कॉन्सोनेंट आता है और फिर वॉवेल साउंड आता है। अगर इसको दो बार रिपीट करेंगे तो सीरी सीरी, तो डी इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। एक बार सब लोग अपने माइक को चेक कर लें, किसी एक माइक हेलो सर, सर मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा है। अच्छा सर, अभी दिखाओ कि सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बाय व्हिच टेक्निक अ रिसर्चर कैन स्टडी विजुअल डिस्प्ले ऑफ लोकेशन इन द ब्रेन दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग डाउट टास्क इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज यूज। तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं, एक तो पीईटी दैट इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, और दूसरा एमआरआई। इन दोनों को यूज करके हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो पीईटी एंड एमआरआई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द रिसर्च मेथड वेयर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर बेसिक रिक्वायरमेंट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ऐसा होता है, जिसमें कि दो वेरिएबल होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। वह एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, एक वेरिएबल को स्थिर रखते हैं, स्टैटिक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। जब भी इमीडिएट प्रॉब्लम होता है तो आप उसे या तो एक्शन रिसर्च करते हैं या अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो इसका राइट आंसर, रिसर्च के सारे क्वेश्चन बड़े इजी इजी थे। क्वेश्चन नंबर 38, कोफिशिएंट कोरिलेशन किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये कार्ल पियर्सन का कॉन्सेप्ट है, 38A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वन टाइम रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। वन टाइम रिसर्च किसे बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को वन टाइम रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय समवन एल्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। डी इसका राइट आंसर है। सर देयर इज डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सर देयर इज डाउट, सर जस्ट यू सेड कि लाइक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज वन टाइम रिसर्च। आई थिंक दिस इज अ क्रॉस हॉरिजॉन्टल रिसर्च, बिकॉज इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आफ्टर फ्यू टाइम्स वी अगेन कंटिन्यू द सेम रिसर्च ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पर लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वही आंसर है। लास्ट में वी विल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्या होता है ना कि हमने जो आंसर किया हुआ है हमें वही सही लगता है, और हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे कि हमारा आंसर सही हो जाए। तो अगर ऐसा है तो हम फैक्ट और फिगर्स पे बात करेंगे, क्योंकि डिस्कशन से उसका हल नहीं निकलेगा। तो वी विल डू द गूगल सर्च
एंड विल ट्राई टू फाइंड द जेन्युइन आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही कराने के लिए बैठा हूँ, ना कि मेरा पर्पस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. No, no, sir. There is a doubt. Okay, which of the following? Because I have. No, we will clear the doubt. We will clear the doubt. Which of the following novel by Thomas Hardy is the tragedy of a woman? So, आपको पता है, Tales of the D'Urberville. Is the right answer? Question number 42. When was Robert Browning poem The Last Ride Together first published? The Last Ride Together है कब published हुआ था? तो आपको पता है, इसका right answer 1855 है. 1855. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. राफेल, जिसने भी पीआरबी पढ़ा है, प्री रफेलाइट ब्रदरहुड, आपको पता है कि ये एक इटालियन पेंटर थे और इन्हीं के नाम पे पीआरबी प्री रफेलाइट ब्रदरहुड बनाया गया था. अगला क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस ऑफन इनकॉर्पोरेट्स द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिज यूथ इन द सिटी ऑफ लंडन इन हिज डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकेल्बी एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन. टेल ऑफ टू सिटीज को छोड़ करके मोस्टली उन्होंने अपने नोवेल के अंदर लंडन को अपनी सेटिंग बनाई है नोवेल के अंदर. तो लंडन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. लॉर्ड टेनिशन की पोएम यूलिसिस कलेक्टेड पोएम्स, आपको पता है कि उनके सिस्टर के हस्बैंड का डेथ हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने 10 साल तक पोएम नहीं लिखी थी, और उसके बाद 1842 में कलेक्टेड पोएम से पहला पोएम उनका कलेक्शन पब्लिश हुआ 10 साल के ब्रेक के बाद, उसी में यूलिसिस पब्लिश हुई थी. तो 1842 इज द राइट आंसर. आर्थर हेनरी हलाम के डेथ के बाद उन्होंने पोएम लिखना बंद कर दिया था. अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड राइम्ड हीरोइक प्ले इन रीस्टोरेशन पीरियड, तो जॉन ड्राइडन ने लिखा था. क्वेश्चन 47, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, Those rules of old discovered not devised are nature still but nature methodized. तो ये जो लाइन है ये लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर. क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म. प्यूरिटन एज का स्पैन क्या है, तो प्यूरिटन एज का दूसरा नाम है एज ऑफ मिल्टन, जो कि 1620 से लेके 1660 तक माना जाता है. जनरली आप देखेंगे 1649 से 1660 तक माना जाता है, बट बिकॉज ऑफ द एज ऑफ मिल्टन इसे 1620 से माना जाता है. ओके, तो ए इसका राइट आंसर है. द टर्म मेटाफिजिकल वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट बाय 18th सेंचुरी नेम्ड सैमुअल जॉनसन. सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले इन लोगों को मेटाफिजिकल पोएट कहा था. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. Who became John Milton's assistant as Latin secretary? The right answer is Andrew Marvell. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 51. व्याभिचारी भाव और संचारी भाव ये क्या हैं? The right option is option A, the complementary psychological states. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is correct? तो इसका right answer है आपका क्रोध स्थायी भाव evokes रुद्र रासा. तो आपको पता है कि रौद्र जो है एक तरह का भाव है, रस है. अगला क्वेश्चन, आनंद वर्धन के ध्वन्य लोक. हेलो सर, सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए. लास्ट वाला क्वेश्चन, क्रोध, क्रोध अस्थाई भाव इवोक्स रौद्र रसा. तो जो 9 तरह के रस हैं उसमें रौद्र रस क्या है? क्रोध है, एंगर है. जी सर. ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट. आनंद वर्धन ध्वनि लोक में 3-fold डिवीजन किया गया है, वो कौन कौन सा है? तो ये है बी सर, अभिधा लक्षणा एंड व्यंजना. बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 54. अरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी क्या करती है? तो पिटी और फियर की वो करती है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 55. एनग्नाइसिस क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ अ करेक्टर. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56. व्हेन किंग दुष्यंत सीज हिज सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आश्रम मरीचा, आश्रम ऑफ मरीचा, देन द लेटर वाज प्लेइंग विद,
ये कब के साथ खेल रहा था, शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, तभी दुष्यंत को लगा कि ये जरूर कोई स्पेशल बच्चा है, तो इसका आंसर सी है। हु ट्रांसपोजेस देवदत्ता हेड ऑन कपिलास बॉडी, तो आपको पता है पद्मिनी ने ये सारा कांड किया था। सी इज द राइट आंसर, अगेन वेरी इजी वन। हु अटर्स द फॉलोइंग लाइंस टू जयराज इन डांस लाइक अ मैन, तो आपको पता है जयराज और रत्ना दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका जो आंसर है वो रत्ना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस हैज नॉट बीन डायरेक्टली यूज्ड बाय टैगोर इन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ गीतांजलि, कौन कौन से जो इमेजेस हैं टैगोर ने गीतांजलि के अंदर फर्स्ट पोएम के अंदर फर्स्ट सॉन्ग के अंदर यूज नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, जिन्होंने लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा उसी को आंसर पता होगा। आइज जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु गेव द नेम भारत कोकिला, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड डिस्क्राइब, एडवर्ड सेड क्या कहते हैं, तो एडवर्ड सेड कहते हैं कि द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डिफाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द ओरिएंट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिफिनेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिएंट। क्वेश्चन नंबर 62, जेंडर अकॉर्डिंग टू जुडिथ बटलर, जुडिथ बटलर क्या कहती है, तो जुडिथ बटलर कहती हैं कि जो जेंडर है हमारा वो बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, आप किसी के इंसान को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि वो मर्द है या औरत है, आप उसके परफॉर्मेंस को उसके काम को देख करके कहिए, और इसी के लिए उन्होंने एक टर्म भी डिवाइस किया हुआ है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ओके, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द इवेंट विच एसे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले बाय डेरिडा रेफर्स टू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है जहां से स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट खत्म होता है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू एलन शो वाटर, तो ये है फेमिनाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल फेज, तीन फेज के बारे में इन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज टी एस इलियट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो टी एस इलियट कहते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री को देखना चाहिए और हिस्ट्री से अपने प्रेजेंट को शेप करना चाहिए, सो इट इज अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ट्रेडिशन इज नथिंग बट अ फॉलोइंग द हिस्ट्री एंड चेंजिंग द प्रेजेंट एज पर द हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बोसवेल क्या कहते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। लोअल जॉनशिनियंस मे लुक अपॉन सच ए बुक विद अ मेजर ऑफ स्कोर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो के सारे चैप्टर को कम से कम पढ़ा होगा, इंडेक्स पढ़ा होगा, वही ढूंढ पाएगा। तो चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, स्टार्ट इन लाइफ, द ब्लैक सी, अ ड्रीम रियलाइज्ड एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, इसका सही ऑप्शन है द ब्लैक सी, ये कोई चैप्टर नहीं है सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सर 66 में क्या होगा? 66, ओके सर, यस थैंक यू सर। 68, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द रेलेवेंट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कोड ऑन ए ग्रेशियन अर्न क्या है, राइट आंसर इज ए, एस्केप फ्रॉम चेंज एंड डिके इनटू एटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन वाज रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश्ड, किस ईयर में रॉबिन्सन क्रूसो को पब्लिश किया गया था, इसका सही आंसर है 1719, 1719 में से पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट इशू ऑफ स्पेक्टेटर पब्लिश्ड इन द ईयर 1711, 1711 में स्पेक्टेटर पब्लिश किया गया, 1709 में टैटलर और 1711 में स्पेक्टेटर। बेन जॉनसन की कॉमेडी बेन एवरी मैन इन इज ह्यूमर, सारे ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ लिए हैं, 1598 में इसे पब्लिश किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज डॉक्टर फॉस्टर्स इज नॉट अमंग द सेवन डेडली सिंस, तो इसमें ग्लूटनी, लिचरी, कोवेशियसनेस ये सारे हैं, हंगर नहीं, भूख एक सीन नहीं है, भूख एक रिक्वायरमेंट है। वेयर वॉज डॉक्टर फॉस्टर्स बॉर्न, तो ये रोड्स जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, रोड्स जर्मनी, 73 का सी आंसर है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द करेक्टर पोलोनियस अपीयर, सबको पता है हैमलेट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हु इज कॉल्ड अबोर्ड स्लेव बाय मिरिंडा इन द टेम्पेस्ट, तो एक ही स्लेव है कैलिबन और इसकी मदर साइकोरैक्स, साइकोरैक्स को तो बना नहीं पाया था स्लेव, बट कैलिबन को उसने स्लेव बना लिया था
The action of mourning become Electra with exception of an act of the second play. ये कहाँ इसकी setting कहाँ है? तो ये Manon residence में है, in or outside the Manon residence. Faith किस work का character है? 77 का right answer है mourning become Electra. Act two of look back in anger takes place. कि कितने एक वन के बाद एक्ट टू कितने वीक बाद होता है. सो यहाँ पे दो वीक बाद होता है. टू वीक्स लेटर इज द राइट आंसर. हैप्पी वैली एक्सटेंड्स मोर और लेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हैप्पी वैली का एरिया है? दैट इज मोरंग टू कंबाला. ये इज द राइट आंसर. इन चैप्टर टू ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन मिस वॉटसन्स बिग निगार नेम जिन विम वॉज सिटिंग ये कहाँ बैठा हुआ है? तो किचन के डोर पर बैठा हुआ है. सर 79 का प्लीज सर. यस थैंक यू. चलिए 81 पे चलते हैं. द पर्पस ऑफ रिसर्च रिसर्च का पर्पस क्या होता है? यहाँ पे रिसर्च का पर्पस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर और कोई सुटेबल आंसर नहीं है. इन एमएलए स्टाइल द वर्क साइटेड पेज शुड अरेंज्ड एज पर द ऑथर्स लास्ट नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सी इज द राइट आंसर. रिसर्च पेपर 12 फॉन्ट साइज में टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाता है. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. क्वेश्चन 85 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. किसी भी अनवेरीफाइड डेटा को पब्लिश करना कभी भी किसी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है. सो डी इज द राइट आंसर. जे एम सिंज का राइडर टू द सी क्या करना चाहता है? Right answer is D. De-anglicize Ireland. Which among the following is not the theme of Sons and Lovers? Sons and Lovers का theme कौन सा नहीं है? इसका right answer है A. Man versus Nature. Question number 88. In the second coming, W.B. Yeats referred to the arrival of which mythical creature? तो Sphinx की बात करते हैं. 88 is C. 89. Which Indian philosophical society Aldous Huxley joined in California? वैधानिक society joined किए थे इन्होंने. They say On the Rule of the Road by A.G. Gardner is about the judicious use of liberty. Liberty कितना होना चाहिए उसके ऊपर है ये. Identify the writer of the following sentence. Thus I live in the world rather as a spectator of mankind than as one of the species. Choose your answer from the given below. ये जो सेंटेंस दिया हुआ है किसका एक्सट्रैक्ट है? तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम जोसेफ एडिशन. वॉजेस टू हनीमून बुक 4 है गलिवर ट्रेवल्स का. नेक्स्ट बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन इज डेडिकेटेड टू. तो ये आपको पता है सर जोशुआ रेनॉल्ड जो थे. 92 का क्या था सर? 92 का क्या था? बुक 4. थैंक यू सर. लाइफ ऑफ जॉनसन जेम्स बॉसवेल ने जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी और जॉनसन के एक बेस्ट फ्रेंड थे सर जोशुआ रेनॉल्ड. उनको ये डेडिकेट किया था. इसका राइट आंसर है. Identify the poem from which the following lines have been taken. If this but a vain belief, yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyless delight. तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये वर्ड्सवर्थ के टिंटर नेबी से लिया गया है. Who among the following poet was not known as the poet of the age of transition? Age of transition जो था age of sensibility के बाद age of romanticism आया था. उसके बीच में जो एज था स्पेशली एज ऑफ ब्लेक उसे एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है. तो ये कह रहा है कि कौन सा उस एज ऑफ ट्रांजिशन से बिलोंग नहीं करता है. तो इसमें एडमंड वॉलर जो थे वो एक कवैलियर पोएट थे. इनका ट्रांजिशन से कोई लेना देना नहीं था. तो उसकी इसका राइट आंसर है. द स्पेशल और टेक्निकल और प्रोफेशनल वोकैब तो ये जार्गन होता है. Smallest contrastive unit that may bring about a change of meaning. ये morpheme होता है. जैसे कम में s लगा दिया तो कम्स हो गया. तो ये smallest unit होता है. The variety of language which is used in a certain geographical area is called as dialect. X क्या है? X जो है ये एक vowel तो है ही नहीं. तो सारे option इसके गलत हैं. इसका mark सबको मिलना चाहिए. मेरे हिसाब से ये पूरा option सारे गलत है. प्राकृत क्या है? प्राकृत एक टेम्पररी डायलेक्ट है. एडिशन रोट 19 एसेज इन द स्पेक्टेटर ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क. पैराडाइज लॉस्ट के बारे में उन्होंने लिखा था.
Which of the following movements did not owe its origin to romanticism? Naturalism बिल्कुल romanticism का उल्टा है. Realism की बात करता है. Naturalism realism से आया है, तो naturalism इसका right answer. In how many parts S.T. Coleridge's Rime of the Ancient Mariner written? Rime of the Ancient Mariner कितने पार्ट में लिखा गया है? 7 पार्ट में लिखा गया है. 104 here lies one whose name was written water. तो ये John Keats के Tom Stone पे लिखा हुआ है. Which character in Tom Jones has been described as warm-hearted, hot-tempered, fox-hunting, Tory country gentleman? The right answer is B. Square Western. True. In which of this work did Pope attack on greed and corruption of his days? Pope किसके attack करते हैं? तो ये Essay on Man में भी इन्होंने attack किया है और Epistle to Dr. Arbuthnot में भी किया है. तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर सही होने चाहिए. हम लोगों ने Epistle पर ही किया है. दोनों में मिलना चाहिए आंसर. 107 हु इज शॉक. तो ये बेलिंडा का डॉग है. क्वेश्चन नंबर 108 व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन बनियान्स ऑटोबायोग्राफी ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. ये इसका राइट आंसर है. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. What was Robert Burton's ailment from which he suffered throughout his life? आपको पता है उन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था रॉबर्ट बर्टन का melancholy. He was suffering of depression, which is hypochondria. C is the right answer. Anatomy of melancholy. I thought of London spread out in the sun, its coastal districts packed like squares of wheat. Here we were aimed. तो ये फिलिप लार्किन का विट्सन वेडिंग से लिया हुआ पोएम है. अगर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो आपने सही किया होगा. वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल मिसेस डालोवे. द इंडिविजुअल साइकी ऑफ कैरेक्टर इज इन्वॉल्व विद सोसाइटी. ब्यूरियल ऑफ द डेड ऑफ टी एस एलियट. वेस्टलैंड डील्स विद द थीम. ब्यूरियल ऑफ द डेड किसके ऊपर है ये? तो फियर ऑफ डेथ के ऊपर है. वर्जीनिया वुल्फ्स मॉडर्निस्ट नोवेल मिसेस डालोवे रेजेस द इशू. किसके इशू को रेज करता है मिसेस डालोवे? तो ये रेज करता है लव और लोनलीनेस को. मिसेस डालोवे हमेशा लोनलीनेस को फील करती हैं. जेम्स जॉयस. हाँ जी सर. सॉरी सर, ये सोसर अप्रूवल नहीं होगा. चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, लास्ट में डिस्कस करते हैं. अपने एविडेंस को जुटा के रखिए. वी विल डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग. नो सर, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट आई एम आस्किंग दैट. नहीं, मैंने जो लोनलीनेस ही होगा उसका. लोनलीनेस ही होगा. James Joyce portrayed of the artist as a young man deals with the politics and religion. इसके बारे में बात करता है, तो आयरलैंड के बारे में बात करता है. Who among the following women is not mentioned by Vivekananda as the ideal women in the essay? तो इसके अंदर कुंती की बात नहीं चलती है, सीता सावित्री दमयंती की बात चलती है. This galvanic shocks of reformatory zeal were necessary to rouse the sleeping Leviathan. Leviathan कौन है? तो आपको एक sea snake है, ये monster है, sea monster है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is not related to Krishnamurti essay? What we are seeking? तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया था कृष्णमूर्ति के सारे ऐसे. तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे. इसका राइट आंसर डी है. We have to find out the means of material wealth for each one of us. 119. Which of the following statement of J. Krishnamurti is not correct? तो इसका राइट आंसर सी है. We will go in different directions. Identify the sage who curses Shakuntala. तो ये महर्षि दुर्वासा हैं. What was the name of John Donne's own funeral sermon preached in 1631? इसका 1631 में जो funeral sermon था उसका नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है Death's Duel. Death's Duel ही आई थिंक. या Death's Duel. ठीक है, डेथ्स ड्यूल इज द राइट आंसर फॉर 121. इन विच कलेक्शन ऑफ द पोएम डिड जॉन डन पोएम द गुड मॉरो पब्लिश. गुड मॉरो किसमें पब्लिश हुआ था? ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश हुआ था. व्हाट वाज द नेम ऑफ एंड्रू मार्वेल मोस्ट कंटेम्पटुअस वर्क? होरेशियन ओड टू क्रॉमवेल. होरेशियन रिटर्न. क्रॉमवेल का जब रिटर्न हुआ था उसके ऊपर उन्होंने होरेशियन ओड लिखा था अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न.
124 विच प्ले ऑफ ड्राइडन एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ प्लेराइट। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे क्लेम भी किया जा सकता है। तो ये सारे आंसर इसके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। When was Absalom and Achitophel published? Absalom और Achitophel का पब्लिश हुआ था तो 1681 में। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कंप्यूटर इज यूज इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर कंप्यूटर यूज किया जाता है डेटा को एनालिसिस के लिए। SPSS, F test, T test, X square test, जितने भी टेस्ट हैं सारे कंप्यूटर से किए जा सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, व्हेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट इज डिजायर्ड, जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्वेश्चनायर के फॉर्म में लेते हैं। न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, परसेंटेज रेटिंग, स्टैंडर्ड स्केल, स्केल ऑफ क्यूमुलेटेड पॉइंट एंड पोस्ट चॉइस स्केल आर द टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। विच काइंड ऑफ रिसर्च रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट, बीते हुए चीजों को सर्च करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च यूज करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग कहाँ यूज होता है, ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन विद एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, जितनी पॉपुलेशन है उसमें सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल चांस होता है आपके सैंपल में आने का। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी हैव बीन गिवन बाय लॉन्जाइनस, तो दो जो हैं नेचुरल हैं और तीन जो हैं आर्टिफिशियल हैं, टोटल पांच। आई ए रिचर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी रिगार्डेड एज, तो आपको पता है आई ए रिचर्ड्स जो थे वो न्यू क्रिटिसिज्म थे और उन्होंने फॉर्मलिज्म के आइडियाज को एक्सटेंड किया था, तो लिटररी फॉर्मलिज्म जो है इसका राइट आंसर है। Arnold is fundamentally concerned with poetry. इसका राइट आंसर है ए, High Destiny. According to Ferdinand de Saussure, linguistic sign क्या है? Right answer is B, a link between concept and sound pattern. Question 135. Towards a Feminist Poetics by Alan Showalter. The right answer is A, examines Thomas Hardy's The Mayor of Casterbridge through the feminist critic. Yeah. Emerson begins his self his essay Self-Reliance. सेल्फ रिलायंस कहाँ से शुरू करते हैं? तो ये शुरू करते हैं आपका एक एपिलॉग है बेमोंड एंड फ्लेचर का, ऑनेस्ट मैन्स फॉर्चून से। क्वेश्चन 137 व्हिच मोटो इज 135 हो गया ना, 135 ओके सर, थैंक यू। स्टेट दैट गायनो क्रिटिसिज्म इज मेल डोमिनेटेड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 135 में जो है सर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये टेक्स्ट में जो है ये हार्डी का दिया हुआ है सर। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे जी। व्हिच मोटो डज थोरेउ हार्डली एक्सेप्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, द गवर्नमेंट इज बेस्ट व्हिच गवर्न्स द लिस्ट। 138 इन द पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरियर ब्लूम द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence. So, ye last para ki first and second line hai, the road not taken ki. The lines, when butterflies renounce their dreams, I shall but drink the moral. Ye I test a liquor never brewed ki line hai. 141, H.G. Wells was known as Fabian Socialist. Among the following poet belongs to Pre-Raphaelite Brotherhood, William Morris. The line death is the end of life. Ah, why should life all labor be? ये किस poem से लिया हुआ है? तो ये Lotus Eater का line है. Last ride together. Whom does the poet contrast his failure with? ये statesman, soldier, poets and sculpture. ये इसका right answer है. The lines, the scene is calm tonight. Over which ki line hai? 146, dialect is a social variety within single language. The figure of a speech used in My Daughter is an engine. It's a metaphor. The figure of speech used in The Plowman Homeward Plots is weary way. Transferred epithet. A tragedy gave rise to the feeling of pity and fear. ये किसके बारे में बात करता है? तो इट इज अबाउट कैथारसिस। टेंस वॉवेल्स और रिलेटिवली लॉन्ग वॉवेल्स आर कॉल्ड एज डिप्थॉन्ग्स। सो एक 150 का आंसर जो है वो डी है। सो आई हैव डन फ्रॉम माय एंड ऑल द एनालिसिस।